देखिए अभी स्पर्स पेंशन पोर्टल को जब हम ओपन करेंगे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से ओपन करें या कंप्यूटर से ओपन करें, अभी का आज का अपडेट ये है कि आपका ये वेबसाइट ही ओपन नहीं होगा। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ये स्पर्स पोर्टल के तरफ से ही है। तो जो लोग भी लॉगिन करना चाह रहे हैं उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे ही ये सही होगा वो ऑटोमेटिक आपका ये काम करेगा। तो इसका मतलब स्पर्स का पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है, इंटरनली वर्क नहीं कर रहा है। देखिए इसको चेक करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब जैसे ही क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा, यहाँ पर हम टाइप करेंगे spurs.defensepension.gov.in। ये आप टाइप कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप टाइप करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करोगे आप, तो ये एरर आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे एक उपाय और है हमारे पास कि हम सीधे आ जाते हैं गूगल पे। अब गूगल का ये ऑफिशियल पेज ओपन हो गया, यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं स्पर्स पेंशन। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं स्पर्स पेंशन, और उसके बाद देखिए ये जो हमारा पहला लिंक आया है ये है spurs.defensepension.gov.in, यानी कि ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अगर आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अभी देखिए ये प्रॉब्लम है स्पर्स वालों की तरफ से, जो आज से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि ये ओपन ही नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब वेबसाइट ही ओपन नहीं होगी तो आप इसमें ना ही लॉगिन कर सकते हैं, ना ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस वगैरह कुछ देख सकते हैं। तो ये एक एरर है स्पर्स की तरफ से। दूसरा देखिए CGDA जो है वो आपका ओपन हो रहा है, डिफेंस पेंशन पोर्टल जो है, ये देखिए CGDA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये अभी ओपन हो करके आ जाएगा। ये देखिए बस ये सारी कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये CGDA का वेबसाइट ओपन हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपका ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमारे पास ओपन हो गया। तो जिन लोगों को CGDA में लॉगिन करना है, अपने वहाँ पे कंटेंट वगैरह देखना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए स्पर्स पेंशन पोर्टल का यहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आज का क्या है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल में ही प्रॉब्लम आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको डिस्प्ले ही नहीं होगा। अब इसका एक उपाय ये है कि अगर आप जैसे गूगल पे जा रहे हैं, अब दोबारा से आप गूगल का पेज ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखिए ये सब कुछ लाइव है आपके सामने बिल्कुल। अभी यहाँ पे हम PCDA पेंशन टाइप करेंगे। देखिए ये बहुत दिन से ये वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही है, जबकि PCDA पेंशन जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है इस पर बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन रहता था, लेकिन आज के डेट में ये आपको ये भी अवेलेबल नहीं है प्रॉपर वे में। जैसे कि यहाँ पर हम PCDAPension.gov.in ओपन करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। देखिए ये PCDAPension.nic.in ये वेबसाइट है, अब इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट भी आपका ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियर ये है कि अभी के टाइम पे ना स्पर्स पेंशन पोर्टल वर्क कर रहा है सही से, और ना ही आपका PCDA पेंशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो जिनका CGDA में काम है वो यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं, CGDA आपका प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। अभी नेक्स्ट जो स्पर्स का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन से तो मैंने आपको बताया ही है कि उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना है या फिर अपना स्पर्स पेंशन पोर्टल का पेंशन स्लिप चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब spurs.defensepension.gov.in ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपके पास सारा डिटेल ओपन होकर के आएगा। अब जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के जो अपडेट है वो यही है कि उसका डेट जो जनवरी तक था वो एक्सटेंड करने का, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब जिन लोगों का प्रॉब्लम है कहीं पे नहीं सबमिट हुआ है तो उनको तो एनी हाउ सबमिट करना है, अदरवाइज़ पेंशन रुक जाएगा। सेकंड अपडेट ये था कि आप पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं खुद से जा कर के। तो अब जब हम स्पर्स पेंशन पोर्टल पे जाते हैं तो स्पर्स पेंशन पोर्टल पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेमेंट रिसीव्ड का। तो वहाँ से आप जो आपने लाइक पेंशन स्लिप को डाउनलोड करा तो वहाँ पे कितना पेमेंट आपने रिसीव किया है वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर वहाँ से आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। अब स्पर्स पेंशन पोर्टल पे जब भी हम लॉगिन करते हैं तो OTP आता है,
तो वो OTP भी आप सही तरीके से डालेंगे तभी आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करने के लिए, अपना पेंशन स्लिप देखने के लिए या फिर लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना, इन सभी चीज़ों के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्स की तरफ से जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको पता ही कि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ कम प्रणाम सस्त्रीकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।